इस्तकबाल है नाज़रीन साहिल ऑनलाइन की फटाफट खबरों में। मुल्क भर से जुड़ी 12 अहम खबरों को देखिए महज 2 मिनट में। कर्नाटक के कुडगु में सैलाब मुतासर इलाकों का वज़ीर आला कुमार स्वामी ने लिया फिजाई जायजा। सैलाब में घर खोने वालों के लिए वज़ीर आला ने 5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। हालात को बताया अंडर कंट्रोल, कहा लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने खराब मौसम नहीं दे रहा इजाजत। मरकजी हुकूमत की जानिब से केरला सैलाब ज़दा इलाकों के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस करने पर राहुल गांधी ने की सताइश। राहुल ने केरला को कौमी आफत ज़दा इलाका करार दिए जाने का किया मुतालबा। कांग्रेस MLAs और MPs अपनी 1 महीने की तनख्वाह केरला के लिए करेंगे डोनेट, राहुल ने किया ऐलान। मगरब बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस के हाथ लगा 19 साल एक तालिब इल्म। भारी मकदार में तालिब इल्म से बरामद किए गए हथियार, 12 पिस्तौल, 24 मैगजीन समेत दीगर अशिया को पुलिस ने किया जब्त। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 14 साल बच्ची का दरिंदगी के बाद किया गया कत्ल। इंसान नुमा दरिंदों ने बिजली कनेक्शन काट कर रेप की वारदात को दिया था अंजाम। बच्ची के कत्ल के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, हाईवे को किया जाम। नोटबंदी के 2 साल बाद भी लोगों के पास मौजूद है मनसूख शुदा करेंसी के नोट। सूरत में मिली करीब 7 करोड़ की पुरानी करेंसी, 3 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। लुधियाना में सिंडिकेट कंपनी की बेकाबू बस ने 5 गाड़ियों को मारी टक्कर, एक शख्स की हुई मौत। हादसे में 4 अफराद शदीद तौर पर हुए जख्मी। बस ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने का दिया हवाला, पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार कर रही है पूछताछ। मगरबी बंगाल के बर्धमान में कार का फटा टायर दरख्त से टकराने के बाद नहर में गिरी बेकाबू कार। हादसे में एक बच्ची समेत 3 अफराद की हुई मौत। महाराष्ट्र से गिरफ्तार हिंदू तंजीम के कारकुन वैभव राव समेत 3 मुश्तबा आतंकवादियों की तहवील में की गई तौसी। 28 अगस्त तक ATS तहवील में भेजे गए तीनों आतंकी। ATS ने मुलजिमीन से 20 खतरनाक बमों समेत 50 मजीद बम बनाने की अशिया को किया था जब्त। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में आतंकी हमलों को अंजाम देने के फिराक में थे मुलजिमीन, ATS ने किया दावा। महाराष्ट्र में आतंकी वैभव रावत की हिमायत में उतरे सैकड़ों लोग, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों समेत गौ रक्षा समिति और सनातन संस्था के कारकुनान ने एहतजाज में की शिरकत। मुश्तबा आतंकियों की हिमायत में उतरे एहतजाजियों से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। भटकल से करीब शिराली शारदोड़े ब्रिज से नदी में जा गिरी बेकाबू कार, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान, मकामी आवाम की मदद से बाहर निकाली गई कार। कर्नाटक के भटकल में टाउन म्यूनसिपलिटी के अफसरान ने दुकानों पर की छापेमार कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे 50 किलो से ज्यादा प्लास्टिक की थैलियों को किया जब्त। सख्त तंबीह कर प्लास्टिक के इस्तेमाल को मुकम्मल बंद करने का दिया हुक्म, आइंदा जुर्माना आयद करने का दिया इंतबाह।